हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीता एंड आई वेलकम यू ऑल इन 5 मिनट वाला गैंडोस अ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी विद डॉक्टर नीता। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफर्मेशंस के बारे में। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अफर्मेशंस बेसिकली और क्यों करना है? तो पहले के वीडियोस में मैंने ऑफकोर्स ये ब्रह्मास्त्र करके आपको दिया था एंड अगर आपने वो वीडियो देखा है जिसमें मैंने अफर्मेशन ये एक टूल आपको दिया था एज अ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, तो उसमें शायद मैंने बोला ही होगा कि अफर्मेशंस किस लिए हमने यूज़ करने चाहिए। तो बेसिकली इट्स फॉर बिल्डिंग और गिविंग न्यू इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या होता है कि हमारे अपब्रिंगिंग से हमारे बिलीव्स बनते हैं। अब बिलीव्स क्या है? हमारी मान्यताएँ, मतलब परसेप्शन। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो एक जैसे समझो, अगर मैंने लाल कलर का ग्लास पहना है तो मुझे दुनिया लाल कलर में दिखाई देगी। अगर मैंने ग्रीन कलर का ग्लास पहना है तो मुझे सब में ग्रीन कलर दिखाई देगा। तो वैसे ही हमारा जो अपब्रिंगिंग होता है, जिस तरह की चीज़ें हम सुनते हैं देखते हैं, वैसे ही हमारी सोच बन जाती है एंड दुनिया को हम उसी नज़रिए से देखने लगते हैं। तो वो होते हैं हमारे बिलीव्स। अब ये ओल्ड बिलीव्स है जिसके हिसाब से हम चल रहे हैं, तो इसे कहीं ना कहीं प्रोग्राम करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ताकि हम नए बिलीव्स बना सके एंड फिर उसके हिसाब से हम हमारी लाइफ को थोड़ा और बेहतर बना सके। तो बेसिकली वहाँ पे अफर्मेशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, वेर इन यू वुड लाइक टू गिव बेटर इन्फॉर्मेशन टू योर सेल्फ। तो अगर फिर प्रोग्राम करना है तो फिर कैसे करेंगे, या फिर माइंड को नई इन्फॉर्मेशन देंगे कैसे? तो फॉर दैट दिस इज़ द टूल। तो फिर इस टूल को कैसे यूज़ करना है? पहले तो अफर्मेशन होता क्या है? तो अफर्मेशन एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन आपको अभी प्रोग्राम करनी है, आपके माइंड को अभी वहाँ पर जाके आपको प्रोग्राम करना है। तो ये प्रोग्रामिंग किसी भी लेवल पे हो सकती है, आपके हेल्थ लेवल पे हो सकती है, आपके रिलेशनशिप के लिए हो सकती है, आपके फाइनेंशियल स्टेटस के लिए हो सकती है, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो सकती है, आपके सक्सेस के लिए हो सकती है। तो जो भी नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप आपके माइंड को प्रोग्राम करना चाहते हैं, पैटर्न्स को चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अफर्मेशंस करना है। तो हाँ, ये पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट है, आपको इसे लिखना है। तो बेसिकली आप रेड पेन यूज़ करें, एक आपकी ग्रैटिट्यूड डायरी बना दें, या फिर आपका जनरल डायरी जहाँ पे आप आपके रेगुलर अफर्मेशंस लिखेंगे। तो हर रोज़ एक अफर्मेशन, एक स्टेटमेंट को लेके उसको मिनिमम 10 times आपको लिखना है। दैट्स हाउ यू आर एक्चुअली गोइंग टू प्रोग्राम योरसेल्फ। तो नाउ टेक सम एग्जांपल, जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, पैसा क्या पेड़ पे उगता है क्या, एंड ऑल दिस नेगेटिव बिलीव्स एंड हाँ, बट व्हाट हैपेंस इज बिकॉज ऑफ दैट वी थिंक कि अर्निंग मनी इज़ डिफिकल्ट, बट एक्चुअली इट्स नॉट डिफिकल्ट। देर आर मेनी पीपल विदाउट डिफिकल्टी और विदाउट स्पेंडिंग एनी टाइम और एनर्जी, दे आर अर्निंग मनी। सो एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू, बट वी आर थिंकिंग कि ओ, समवन tell you that earning money is difficult and that's how you your energy, your frequency is going in that direction, and that's how for you earning money may be difficult. So basically इसे चेंज करना है तो आपको क्या इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी? Earning money is easy for me, effortlessly and naturally money comes to me, money flows in my life easily and effortlessly. So this is how you can create positive constructive statement and give it to yourself and then write it down so that actually you should accept it and then accordingly you start you may say jo bhi apni energy hoti hai us energy ko us frequency pe vibrate karna hai and jab tak fir likhna kyun hai bar bar kyunki aapko wo कन्वेंस होना चाहिए कि इट्स ट्रू, इट्स करेक्ट एंड दिस इज़ व्हाट इज़ पॉसिबल फॉर मी। तो जनरली जो क्रिया से रिलेटेड, मतलब वर्ब रिलेटेड चीज़ें होती ना, जैसे मैंने कहा इजीली एंड एफर्टलेसली, तो इस टाइप के वर्ड्स को अगर आप अफर्मेशंस में डालते हैं तो दैट बिकम्स अगेन ईजी फॉर अगेन प्रोग्राम योर माइंड। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ये आपको ध्यान में रखनी है जब आपको अफर्मेशंस लिखने हैं। तो मैंने बता दिया आपको कि जैसे रेड पेन, डायरी, 10 times एंड पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट। तो आपको किस लिए आपके माइंड को ट्रेन करना है,
किस लिए आपको एक्चुअली ये अफर्मेशंस लिखने हैं, तो पहले आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए एंड बेस्ड ऑन दैट इंटेंशन वन एट ए टाइम. डोंट वर्क ऑन एवरी थिंग साइमल्टेनियसली. मल्टीटास्किंग यहाँ पे नहीं हो पाएगा. तो बेसिकली आपको वन एट ए टाइम आपके टारगेट्स रखने हैं एंड देन यू कीप ऑन राइटिंग दोज काइंड ऑफ अफर्मेशंस एंड गिव योर सेल्फ दैट इंफॉर्मेशन, अगेन दैट पॉजिटिव information in your morning rituals, whatever morning rituals I have already told you, उसमें आपको इस चीज़ को भी add करना है. So this much for this video. Thank you very much. Take care. Bye bye.